यार ये से खुद भी बेचारे मुरझाए, ये क्या एनर्जी देगी। उधर देखो उधर देखो, नानी जी यहाँ से जा रहे हैं और कैमरामैन रियांश आ जाओ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे आप सभी? होप सो आप सभी बहुत ज़्यादा वाले अच्छे होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया है। ये मेरे साथ मेरा कज़न है और ये देखो इतने सारे सभी चले गए। हम जा रहे हैं आज जागरे में, जो कि है आज जागरा मंडोल में। सबसे पहले आप सभी को जागरे की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मैं और पार्थ दोनों मिलकर व्लॉगिंग करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस व्लॉग को लाइक कर देना। और हम चाहते हैं कि इस व्लॉग में कितने ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए और लाइक्स कम से कम पता कितने? 2 लाख। 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं व्यूज़। हमने कम का ही रखा है दोस्तों, आप कर ही सकते हो इतना तो। और मैं दोस्तों ना आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम वैसे ना प्रहाट से आए हैं, अभी मलोट में पहुँचे हैं। हमारे को आते हुए आधा घंटा लग गया था, हमारे को बस छूट गई थी और फिर हम आधे तक किसी की गाड़ी में आए थे। हमने ऐसी रोक दी थी, पास ने रोकी थी तो फिर हमारे को ला लिया था। तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया, नहीं तो हमारे को बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है ना। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि हमारे सखी सखे जो भी है वो काफ़ी आगे चले गए और हम भी चलते हैं अब झोला उठा के अपना। तो चलो पार्थ, हमने इस टैंक के ऊपर बैठ रही है, देखो हमने अपना सामान कैसे कैसे। गाइस इधर से इतना मस्त नज़ारा दिखता है, अगर आप देखोगे तो आप भी देखते रह जाओ। हमारे को पैदल चलना है तो चलो आप हमारे साथ। ये देखो गाइस इतना ऑसम व्यू और साथ में पार्थ। मेरे पास झोला है जिसमें पता क्या है? हाँ पार्थ दिखाओ क्या क्या लाया हमने आज। इसमें एक खीरा है, एक लंच बॉक्स है और एक थैला है और क्या है? बस यही है इसमें। तो चले चलो आगे। या तो लोग चले गए हैं सारे काफी ज्यादा, पर हम भी भागते भागते चलते हैं। तो चलो अभी पार्थ, हमारे को कितना टाइम लगेगा जाने में कुछ पता है तुम्हारे को? 15-20 मिनट या 1 घंटा लग सकता है जिस तरह। तो वाह पार, तेरे सिर पे ना तितली आई थी अभी। ये देखो यहाँ का व्यू। हेलो, कोई तितली है? तितली देखो। ओह चलो, हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो दोस्तों हमने जाना है अभी यहाँ इनके घर पे पानी पीने। तो चलो, तो हम ना इनके घर पानी पीने आए थे, तो हमने ना यहाँ पर खाना भी खा लिया है और अभी जाएगी हम थोड़ी देर में गांव के लिए जहाँ पर मंदिर है ना। तो फिर दोस्तों मैं ना आपको इनका घर दिखाती हूँ, जो कि ना पुराने ज़माने का इतना ज़्यादा अच्छा है ना। सबसे पहले ना आप ये देखिए, इधर आ जाओ पास। ये सीढ़ियाँ तो बस थोड़ी सी ना टेढ़ी हुई है, ये देखो ऊपर तक दिखाना पास, ये देखो। और वाह यार, इसके ऊपर जाए बात। तो दोस्तों ये देखो, ऐसा लग रहा ना जैसे कि ये बहुत ही अच्छा, मतलब कि वाह यार बहुत बहुत बहुत। देख नानी जी यहाँ से जा रहे हैं। हाँ जी नहीं जाते। और यहाँ पर एक प्यारी सी बिल्लू भी है, ये देखो ऊपर सीढ़िया सीढ़िया है। और मैं ना आपको, यार देखो ताला लगाओ इधर। तो यहाँ से ना मैं आपको छोटे छोटे से कमरे दिखाती हूँ। ये है, इनको ना उबरिया बोलते वैसे ना, जो ये मतलब कि हिमाचली घर है ना वैसे ना तथा उबरा, जिसमें गाय वगैरह होती थी और उसके बाद लोग रहते थे, उसको पांड बोलते थे। उसके ऊपर होती थी किचन, तो 4 मंजिला होते थे पहले के घर, जो कि मेरा गांव का घर है ना। हमारा घर भी सेम ऐसा ही है, हमारा घर भी गाँव वाला ना। ये देखो बच्चों की, मत जाना नीचे तुम, इतना बड़ा प्लॉट है ना ये, यहाँ पर से लेके ना इतना ज़्यादा। वाह यार खुशी खुशी हो रही है मेरे को आज यहाँ आके। ये देखो ठीक है,
तो दोस्तों हम चल पड़े हैं इनके घर से। अब खाना वगैरह खा लिया है और कितना प्यारा घर था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं ना आपको अब डायरेक्ट मंदिर में जाके मिलूँगी, तो चलो। हम ना पहुँच ही गए मंदिर में, तो देवता आ गया है, जो हम पीछे चलते हैं। दोस्तों तो सारे नाम सुन लिया महासु वैली में और महासु देवता के मंदिर में। तो आज महासु देवता के प्रांगण में आके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो दोस्तों आज यहाँ पर जागरा है, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, और मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और कैमरामैन रियांश आ जाओ। कालू देवता का मंदिर है और आज हमारे मंडोल में आए हैं जी नागेश्वर देवता। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। पूजा खत्म हो गई, अब निकल रही है मंजन जी, यानी कि देवता को नहाने ले जाएंगे। तो मैं होप्स हो कि मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ हर एक चीज़। अभी ना सॉन्ग गाएंगे जो मतलब कि आगे पीछे नहीं गाते, सिर्फ जागरण में लगाते हैं, वो उसको बोलते हैं बिरसू, जो कि अभी लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बीच बीच में डिस्टर्ब करने आ जाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बोल देती हूँ पहले ही आपको। नहाने महासु देवता को ले जाना है, जिन्होंने ऑरेंज कलर की पोशाक पहनी है उनको। तो इसमें देवते की मुहर लगी होती है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों महासु देवता को तो ले गए हैं नहाने, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब जैसे आएंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि उनको नहाने दरअसल लिया कहाँ जाता है, उनको लिया जाता है बावड़ी के पास नहाने। और हम सभी अब उनका इंतज़ार कर रहे हैं वापस आने की, कि वो कब जैसे आएंगे। ये लो जी आ गए हैं नहा के। इसके बाद यहीं से ही इनको ले जाते हुए मंदिर के पास ले जाएगा, तो देखो आप भी। आप I'm not afraid to die.
दिन वाला ज्यादा हो चुका है और अभी सभी अपने घर जाएंगे और चिड़ा पूछते हैं वो आपको बाद में पता लगेगा कि चिड़ा होता क्या है। और दोस्तों अब मिलेंगे हम शाम को 9 बजे यहाँ पर, रात को भी एक फंक्शन है, रात को जलाया जाएगा चिड़ा जो कि आपको रात को ही पता चलेगा। चलो डिनर करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हमने डिनर किया है, तो हम सभी ने मिलकर डिनर किया है। ये है जी पुराने वाला घर और आगे हैं हम मंदिर, और मंदिर में भी आरती चली है और ये सभी मशाले जला रहे हैं और इन मशालों के साथ ही डांस किया जाता है, जिसमें कि ये पारंपरिक गीत गाया जाता है। गीत ये बोला है बौर मोर है चाय बिर स्व ऐसे करके। तो दोस्तों इसी प्रकार पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाकर डांस किया जाता है इस गाने गाकर, और अपने अपने त्यौहार होते हैं अपने छोटे छोटे गांव के अलग अलग तरीक़ों से मनाए जाते हैं। क्या आपके गांव में या फिर जहां भी रहते हो आप ऐसे इस प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं चाहूँगी कि आप इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ पाए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और न्यू अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।